नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी को फिर से एक बार दिवस टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सऊदी अरब का जो अल राजी बैंक है, वो अल राजी बैंक में आप अपना ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, सारा प्रोसेस प्रैक्टिकल रूप से इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप लोग भी अल राजी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो का इन तक, और वीडियो का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अल राजी का जो बैंक अकाउंट, ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अल राजी बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे, देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे आपको दिखेगा इंटरफेस। तो आपको ये ऊपर वाला जो न्यू अकाउंट प्लस के आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए नीचे लॉग इन, क्विक लॉग इन, रजिस्टर और न्यू अकाउंट इधर साइड में लिखा है, आपको न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इधर ही हो, इधर में आप अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, उधर में इंटर कर देना है। और नीचे में आपका एक आपका अकाउंट नंबर राइटिंग करना है। तो चलो जल्दी से हम कर लेते हैं टाइपिंग से करके। नीचे में देखिए आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन के ऊपर आपको यहाँ पर टिक लगा कर इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा अल राजी की तरफ से, आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। फिर आपको नया इस पेज पर लेकर आएगा। देखिए प्रोफेशनल, आपका कौन सा प्रोफेशनल है इधर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इधर देखिए बड़ा बड़ा प्रोफेशनल इधर लिख रहा है, तो हम लेवर, तो हमें ये बिजनेस मैन, आप जो भी देखोगे डॉक्टर बराबर है इसमें, तब कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैं लेवर के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ईमेल, आपका कोई भी एक ईमेल एड्रेस इधर में करना है, तो मैं ईमेल सेलेक्ट ऐसे करके अपना कर लेना। फिर इनकम, आपका रेंज कितना, आप कितना कमाते हो, इधर नीचे के ऊपर प्राइमरी इनकम सोर्स, आप कहाँ से आपका सैलरी आता है, तो हमें सैलरी से आता है, तो इसे सैलरी के ऊपर क्लिक करना है। फिर मंथली इनकम, आप एक महीना में कितना इनकम कर लेते हो, उतना इधर में राइटिंग कर लेना है। और नीचे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बायोमेट्रिक द यूज योर फेस आईडी वेरिफिकेशन, आपका कैसे वेरिफिकेशन करना है इधर में दिखा रहा है। तो आपका अगर पास अफसर है, तो आप अफसर से इधर में वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो नीचे वेरिफिकेशन बाय यूजिंग अफसर यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसे क्लिक करोगे तो इधर में आपका यूजर नेम, अफसर का यूजर नेम, पासवर्ड टाइप कर देना है, और इधर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। करके इधर में लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है कि आपका मोबाइल पर अफसर की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड इधर में टाइप कर देना है। करके इधर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्लीज टेल अस योर प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है इधर में लिखने के लिए बोल रहा है सिटी, तो आप इधर में लिख सकते हो नेपाल, आप जहाँ के भी हो लिख सकते हो। फिर इधर नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर ये नहीं है तो इसे नो नो रहना है, और इसके ऊपर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको इधर में देखिए यूज़र आईडी, आपको ये हो गया यूज़र नेम, पासवर्ड इधर बनाने के लिए बोल रहा है।
इस तरीके से जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा दिया हूँ, इस तरीके से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड अपने तरीके से बनाकर इधर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यह यूज़र नेम और पासवर्ड आपका एप्लीकेशन का यूज़र नेम पासवर्ड होगा। आपका कार्ड पर जो भी आप पिन नंबर रखना चाहते हो वो पिन आप इधर में लिख सकते हो। फिर रिपीट कर देना है। जब भी एटीएम कार्ड में आपका यही पिन नंबर रहेगा, जब आप एटीएम कार्ड प्रिंट करोगे, एटीएम कार्ड अप्लाई करोगे, तो देखिए इस तरीके से आपका अकाउंट सक्सेसफुल बन जाएगा। 5 मिनट भी नहीं लगता है। तो देखिए इस तरीके से, देखिए इधर पूरा आ गया आपका मोबाइल पर मैसेज, यू आर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ऐसे करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो अलराज जी का ऑनलाइन अकाउंट, अलराज जी का ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत ही ईजी है। तब चलो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अलराज जी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो अपने मोबाइल से। बहुत ही ईजी है दोस्तों, 5 मिनट लगता है। और जब भी आप अपना मोबाइल का जो एप्लीकेशन है अलराज जी का, उसमें आप जब भी फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपका मोबाइल पर अलराज जी के बैंक से, अलराज जी बैंक के तरफ से एक फ़ोन आएगा। उस फ़ोन में आपको वन क्लिक करना है और जब आप लॉगिन करोगे उस समय आपका मोबाइल पर जो 4 अंक का जो टाइम पासवर्ड आता है वो टाइप करने का बोला जाएगा। वो टाइप कर लोगे तो इजीली आपका लॉगिन हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि एनसीबी बैंक में होता है, सेम वैसे ही दोस्तों। तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो दोस्तों। और जो मादा कार्ड होता है दोस्तों वीसा का, ये अलराज जी का, वो एटीएम कार्ड भी आप खुद से प्रिंट करवा सकते हो। आपको कहीं पर जाने का ज़रूरत नहीं। आप अलराज जी बैंक में जाओगे और अलराज जी बैंक में जहाँ एटीएम कार्ड होता है, एटीएम मशीन उधर ही साइड में एक सेल्फ सर्विस का मशीन होता है, उधर में आप जब भी जाओगे तो उधर में कार्ड प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर टाइप करके और फिंगर प्रिंट करके, आपको 5 मिनट लगेगा, आप अपना कार्ड भी आप प्रिंट करवा सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने कल ही ये कार्ड प्रिंट करवा के ले आया हूँ, पर बैंक में ज़्यादा भीड़ भाड़ के वजह से मैं वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया दोस्तों। और मौका मिले तो ज़रूर मैं आपको कोई दूसरा वीडियो में कार्ड प्रिंट करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप भी देखिए इस तरीके से, देखिए मेरा नाम है, इस तरीके से आप कार्ड भी प्रिंट करवा सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए गुड बाय।